विधानसभा चुनावों के चलते यूपी में इस वक्त हलचल बनी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियों और जनसभाओं के जरिए अपनी ताकत दिखा रही हैं, जिसके चलते आज पीएम मोदी कानपुर पहुंचे तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे थे। आज यूपी में जमकर वार पलटवार का दौर देखा गया। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने। इसके अलावा वो IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। वहीं अपने आज के कार्यक्रम में भी पीएम अखिलेश यादव पर तंज कसना नहीं भूले। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों बक्से भर भर के नोट मिले हैं, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये मोदी ने किया है। उनके शासन में भ्रष्टाचार का इत्र उत्तर प्रदेश में फैला था, वो सबके सामने आ गया है, जिससे उनके मुंह पर ताला लग गया है। नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि और सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के लोग सब समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव ने भी पीएम को आड़े हाथों लिया और कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर भाजपा पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, गलती से भाजपा ने अपने ही कारोबारी पर छापा मारा है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी इत्र सपा MLC पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था, ना कि पीयूष जैन ने। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा ने डिजिटल भूल से अपने ही व्यवसायी पीयूष जैन के यहाँ छापा मारा। छापेमारी का ये सवाल उठा है GST विभाग की कार्रवाई से, जिसमें बाद में IT और ED भी शामिल हो गए। आयकर और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गत दिनों छापेमारी में कानपुर में इत्र व्यापारी के घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नकद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की गई थी। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जिसके बाद यूपी का सियासी पारा गर्मा गया है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टियों को मुद्दा जरूर मिल गया। DV लाइव की रिपोर्ट।